ये माँ बाप के लिए भाई के लिए प्रेम सच्चे ही होते हैं। रो उस दिन जी जी भर के रो लेना। किसको थैंक यू? हेलो यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं हूं विकास, मैं भी हूं और स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप लोग देखेंगे इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हमें आशा है कि आप लोग देखेंगे ही दोस्तों। और दोस्तों देखिए मैं अभी नहा धो के फ्रेश होकर, आप लोग पिछले वाले वीडियो में कॉमेंट किए थे कि हमेशा नहा कीजिए और सर सफाई में रहिए, तो मैं अब रोज नहाऊंगा। हाँ कभी कभी दो तीन दिन मैं गैप कर देता था। तीन दिन गैप अच्छा नहीं होता है, डेली नहाना होता है। हाँ तो अब मैं कभी भी गैप नहीं करूँगा दोस्तों, इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा। और देखिए आज मैं नहा के कपड़े भी पहन लिया है और आज एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं बीमू जी के लिए, जिनको हम दिखा तो नहीं पाएंगे यूट्यूब पेज के लिए। अभी से माफ़ी मांगते हैं दोस्तों, क्योंकि अलाउड नहीं है उनको। आप लोग शायद समझ जाएंगे कौन आए हुए हैं। कुछ काम है जो सीखना चाहते हैं, हमसे करना चाहते हैं, तो उसी के सिलसिले में वो लोग आ रहे हैं। तो जितना भी कुछ मुझसे आता है मैं पूरा ईमानदारतापूर्वक उनको सिखा दूंगा, है ना, और फिर उनको वापस भेज दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जब वो लोग चले जाएंगे तो आपको दिखाते हैं दोस्तों इस एरिया में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा तुलसी जो है सूख गया है। यहाँ पे देखिए नबी मुँह, तो वही है देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे तुलसी हमारा पूरा सूख गया, जो कि बहुत ही बुरी बात है हमारे लिए। तो हम सोच रहे हैं कि तुलसी को फिर से ये करने के लिए हमें एक चौरा, तुलसी चौरा बोलते हैं, जो कि हमें इस जगह पे बनाना होगा, जो कि हम सोच रहे थे कि आज ही बनाएं ना। क्या तुलसी क्या अभी नहीं मिलता है, कहाँ मिलेगा? तक बारिश नहीं होगा तब तक तुलसी नहीं मिलेगा। आप चौरा जितना भी पहले बना लीजिए। तो क्या चौरा नहीं बनाए? तो बना लीजिए, लेकिन तुलसी नहीं मिलेगा अभी। तो ठीक है ना, तुलसी ना मिले तो हम चौरा बना देते हैं, उसमें मिट्टी उट्टी तब भर के रखते हैं, जब आएगा उसमें फिर इसमें हम डाल देंगे ना। बारिश होगा तो फिर तुलसी का पेड़ पौधा उगेंगे, उसके बाद हम रोप पाएंगे। अच्छा तो यहाँ पे देखिए इतने सारे मिट्टी हम लाए हैं दोस्तों, इसमें आपको दिखा, देखिए बहुत सारा मिट्टी है। तो इसको आज ही बनाएंगे ना, क्या यही तुलसी चौरा? कब तक रहेंगे? शाम तक रहेंगे तो कैसे पाएंगे? तो यहाँ पे हम तब तक मिट्टी फूलने के लिए दे देते ना। मिट्टी क्यों फुलाना है उसके लिए? हाँ फूल दे देते हैं, फिर जाके गेस्ट को जो खरीदार है। आ गए हैं? नहीं आए, दो मिनट में आते ही होंगे। तो क्या हुआ, तब तक हम कर लेंगे दो मिनट में, ठीक है? नहीं तो दोस्तों पहले गेस्ट को उनको अटेंड कर लेते हैं ना, उनको सब कुछ सिखा उगा के लेके आइए, दूध थोड़ा चाय बनाएंगे दूध लेने के लिए। तो ठीक है दोस्तों ये बाद में करेंगे, पहले दूध ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बीमू जी गई है उस दुकान में दूध लाने के लिए, और अभी आ रहे हैं दूध लेकर वापस। देखिए यहाँ पे रोड क्रॉस करते हुए, आज इनके चेहरा पे कुछ अलग ही स्माइल है, खुशी है। देखिए वो आपको साफ साफ दिखेंगे। और अभी चाय बनाने भी लग गई, आए भी नहीं है वो लोग। अच्छा क्या बोले थे, कब तक आ जाएंगे? बोले थे आ गए, 5 मिनट में आ जाएंगे। आपके ये बोले हैं, मुझे 10 मिनट हो गया, मार्केट में रुक गए होंगे, कुछ करते होंगे। अच्छा और ये फ्रूटी है हमारे घर में, कहाँ से लाई थी? घर से फल लेके आए, दुकान से। ये गर्मी महीना में बाहर में रखोगी तो ये बिगड़ जाएगा। एक और था जूस, सोना वो बोतल पानी का बोतल खो दी थी वहीं पे स्कूल में ही, तो बोतल निकाल दिए बोतल में से, यहाँ पे उसको दे दिया, पानी दे दिया सोना को बोतल में। तब यहाँ पे देखिए दूध को वाला जा रहा है और अभी यहीं से चाय बनेगा, चाय पिलाए जाएंगे। और ये भी पिलाओगी? हाँ एक ही ट्रे में ना, चाय भी ले जाना और बोलना कि ठंडा चाहिए या गर्म। ठंडा पिलाएंगे उसके बाद चाय पिलाएंगे। अच्छा ठीक है, ठंडा गर्म दोनों ही पिला देना। तो आ गया आपका गेस्ट। चलिए आप ही से काम है, मेरे से ही काम है, आपको ही सिखाना है। तो आप चलिए हम चलते हैं, दिखा तो नहीं पाएंगे ना यूट्यूब में। ले आए हुए थे वो मिलकर चले गए हैं, और जो सीखने आए थे वो आपको हम बता दें कि क्या काम सीखने आए थे। यही कि मतलब वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे पोस्ट करते हैं, चैनल कैसे बनाते हैं, तो सारा चीज़ हम
उनको सिखा दिए और भी कहे कि एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है साथ ही सीखना, तो कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं वो सारे रास्ते भी दिखा दिए। यहाँ पे डेली अपडेटेड रहना और ऐसे एडिट करना सीख लेना, चैनल क्रिएट करके दे दिए हैं, शॉर्ट्स लॉन्ग सब बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, अभी बस चैनल बनाए, अब कब से काम शुरू करेंगे वो लोग तो करेंगे। तो सारा चीज़ हम सिखा दिए और फिर कुछ देर रहे, बातें किए, काफ़ी अच्छा लगा। और जब ये लोग चले गए ना जो मिलने आए हुए थे, तो देखिए यहाँ पे कितने उदास है, जब चले गए तब से ये उदास है। अभी कुछ देर पहले रो रही थी छुपके से, मेरे से छुपके से रो रही थी, जब मैं आता हूँ तो चुप हो जाती है। काफी उदास है, देख सकते हैं आप। बाबू चलो काम करने चलते हैं, ऐसा ही होता है, कोई मिलने आते तो बहुत खुशी मिलता है यार, जब चले जाते हैं तो दुखी होता ही है। कल कर लेंगे काम। कल करोगे काम, आज क्या हुआ, चलो ना, दुखी होने से क्या होगा, कुछ होगा दुखी होने से, बताइए तो, कुछ नहीं होगा ना। चलिए देखो आपके लिए क्या क्या लेके आए हैं। मिलने आए हुए थे तो ये कुछ सुहाना के लिए, आप ही मेरी बच्ची हो, लो खाओ, देखो रो मत, ये रो रहे हैं दोस्तों, रो मत, क्या कर सकते हैं हम, लव मैरिज करने वाले के ऐसे ही दिन होती हैं, दशा होती है। ये सब आए हुए थे लेकर, अभी अभी बीमू ये खा ही दिए, कह रही थी मेरे अपने का प्यार है इसमें, और खा रही थी चॉकलेट। इन सब मामलों में अभी अभी भी बीमू बच्ची है, देखिए बच्ची की तरह रोने लगती है। और अभी बोल रहे थे कि माँ पापा भाई सब की याद आ रही है। अगर आप आपके प्यार सच्चे हैं ना, वैसे होते ही है, माँ बाप के लिए भाई के लिए प्रेम सच्चे ही होते हैं, उनके मन में भी होंगे। जिस दिन माफ़ कर देंगे ना दिल से, आपको खुद बुलाएंगे, फिर आप मिल पाओगे, ठीक है। उस दिन के लिए अपना आंसू बचा के रखो, अभी मत रो, उस दिन जी भर के रो लेना, जिस दिन आपको अपना लेंगे बुलाएंगे उस दिन, अभी मत रो। अब तो चुप हो जाओ, चलो दोस्तों को खिलाओ, खिलाओ दोस्तों को, कुछ बोल के खिला दो, क्या हुआ, काफी रो रही है दोस्तों, मत रो ना बाबू, आपका सर दर्द करने लगेगा। तभी से इतना खुश थी ना दोस्तों कि क्या बताए, बहुत ही ज्यादा खुश थी, बहुत मजे से, मतलब हंस रही थी, बातें कर रही थी, अपना मतलब बीता हुआ पल, स्कूल लाइफ की बातें, गांव घर में जो बिताए थे वो पल सब, ना जाने कौन कौन सा पल याद करके खूब खुश हो रही थी। जैसे ही वो लोग चले गए बैक पे चढ़ के, तो सरासर घर में आ गई और बेड पे आके बैठी, बहुत प्यार आता है दोस्तों ये माहौल में, मेरे को बहुत प्यार आता है बीमू का। चुप हो जा बाबू, चुप हो जा, खा लो खा लो, हाँ खाते खाते रोगो तो एनर्जी आएगा, खाओ खाओ भी और रो भी, नहीं मुझे नहीं खाना, खाओ बंद कर बंद कीजिए ना, बंद कर दे, नहीं खाना, आप खाओ। चलिए मार्केट चलते हैं, मार्केट नहीं खाना, सूट सिलवाएंगे, सूट और सुहाना दे, अभी आ गई सुहाना, देखिए देखिए सुहाना बाहर में आ गई है, हाँ अभी आ रही है, हाँ बेटा देखिए सुहाना आ गई तो फटाफट से आंसू पोछ लिए, क्या बेटा कौन गए थे पढ़ने, मानसी मानसी, हम देखे
देखिए कौन आया था, देखो आपके लिए क्या क्या लेके आए, बताओ कौन आया था, गेस करो, करो गेस। सुहाना गेस नहीं कर पाएगी, गेस करो कौन आए थे आप, नहीं बता दें उस दिन कौन बोले थे हम आने वाले हैं। मौसी नहीं थी, दूसरे लोग थे। कौन? आपके अपने, ऐसे अपने जो अभी रिवील नहीं हुए हैं, अभी आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। हम पहले आपके लिए लाए थे, हम लोग खाए, मैं भी खाई, आप खाओ, ठीक है, बिस्किट। और वो हमारे वीडियो देखते हैं, उनको थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, और नमस्ते भी बोलना था ना। हाँ हाँ बोलो, ये बिस्किट के लिए थैंक यू, बिस्किट के लिए थैंक यू। दिखा नहीं सकते दोस्तों, ना बता सकते, क्या बताए, देखो अभी रोना नहीं, बच्चे यहाँ पे सामने हैं। मार्केट चले, चलो चलो घूम के आते, ठीक है, आप पहले नाश्ता कर लो, ठीक है, ठीक है ना, चलिए। ऐसे पल को देखकर मेरा भी मन उदास हो जाता है, क्या करें दोस्तों, मजबूरी है, एक यही चीज है जो कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हम भी चाहते हैं दोस्तों कि मतलब आप लोगों को दिखाए, लेकिन क्या करें, नहीं मतलब दिखा सकते, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, समझिए आप लोग भी। और बाकी काश भगवान करे ऐसा दिन जल्दी आए कि हम सब लोग से आपको मिला पाएंगे, हम भी वहाँ पे जा पाए, सारे लोगों से मिला पाए, अपने जितने इमोशंस हैं सबको दिखा पाए ना। कोई ना बाबू, एक ही दिन में गन्ना कर लेंगे। हाँ खाओ, थैंक यू। किसको थैंक यू? दोस्त लोग को थैंक यू, किस लिए? ये दिए ना बिस्किट। अच्छा आपका दोस्त लोग ये बिस्किट दिए। प्यारी बच्ची। अभी बीमू जी चली गई है सुहाना की वो धोने के लिए शर्ट, और देखे कितने सैड हो गई थी बीमू जी, और काफी रोई भी। धो दिए शर्ट? अभी चले मार्केट, आइए। अभी भी रो रही हो क्या बाबू? नहीं, नहीं से क्या पूछे फिर, काजल से कुछ लग गया था, ठीक है अभी नहीं, ठीक है चलिए चले मार्केट। अभी हमारा वो था कि हम वहाँ पे तुलसी चौरा बनाते, हाँ। लेकिन अब हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा दीमू जी का मूड भी ऑफ हो गया है, लेट भी हो गया है दोस्तों, लेट भी हो गया है, वो भी नहीं पाए, शाम के वक्त हम मिट्टी छुएंगे तो सर्दी जुकाम लग सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, तब वो हम चीज आप लोगों को कल दिखाएंगे कि अपने हाथों से पहली बार हम इसे बनाएंगे तुलसी का चौरा ना, तो देखते हैं कैसा बनता है। बाकी आप लोग कुछ कमेंट कीजिएगा तो हम पहले बता दें कि जो आए थे हमसे मिलने के लिए, आई थिंक आप लोग गेस्ट तो कर चुके होंगे, लेकिन इस पे हम क्लियरेंस नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारे ये वीडियो इनके घर के जो मेन है हमारे भैया जी कमलेश, सारे लोग देखते हैं, भैया ही नहीं सब लोग देखते हैं, हाँ पापा मम्मी लोग नहीं चलाते फोन वोन तो वो लोग तो नहीं देखते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो जो हमसे मिलने आए थे उनको डांटे या कुछ बुरा भला कहे, इसलिए उनको ना हम वीडियो में लिए ना उनका नाम लिए, बाकी वो भी जानते हैं को हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं, है ना, तो खैर कोई नहीं, बस कुछ करिएगा तो दुआ कीजिए कि बीमू जी की उनकी फैमिली अपना ले, इनकी फैमिली की तरफ से कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपने बेटी को बेटी बना ले, मान ले, आने जाने दे, दुख में सुख में बुलाए, बस इतना ही चाहते हैं ना। तो ओके दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हम लोग अभी चल रहे हैं मार्केट दोस्तों, क्यों जा रहे हैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज देखना मत भूलिएगा, तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय दोस्तों, बाय, खुश रहे और खुशियां बांटे, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।